बच्चों का खाना डकारने वाले 2300 सहायता समूह पर एसडीएम पोहरी ने की कार्रवाई। पोहरी एसडीएम ने 2300 सहायता समूह को हटाया। शिकायत के बाद कराई थी जांच। दोषी पाए जाने पर अनुबंध समाप्त। पोहरी अनुविभाग में आंगनवाड़ी व स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्य करने वाले 2300 सहायता समूह कार्रवाई की जद में आए हैं। पोहरी एसडीएम राजन बी नाड़िया ने इन 2300 सहायता समूह द्वारा मेन्यू अनुसार भोजन वितरित न करने व गुणवत्ताहीन भोजन परोसने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पिछले माह अधीनस्थ अधिकारियों को जाँच सौंपी थी। इस व्यापक जाँच के बाद शिकायत प्रमाणिक मिलने पर विकासखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति में शामिल सीईओ जनपद पंचायत, सीएमओ परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास व बीआरसीसी ने इन गैर जिम्मेदार स्व सहायता समूह का अनुबंध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मोहर लगाते हुए एसडीएम नाड़िया ने 2300 सहायता समूह का अनुबंध समाप्त कर दिया है। नए सिरे से समूह को कार्य सौंपे जाने तक शाला प्रबंधन समिति को एमडीएम वितरण का दायित्व सौंपा गया है। इन 2300 सहायता समूह पर गिरी गाज। मेन्यू अनुसार भोजन वितरित न करने वाले जिन 2300 सहायता समूह पर कार्रवाई की गई उनमें ठाकुर बाबा समूह दोहरानी, जय काली माँ समूह नहरगढ़ा, ठाकुर बाबा समूह बागलोन, भवानी माता समूह सिलपरी, सरस्वती समूह नारायणपुरा एसवाया, सरस्वती समूह अहेरा नारायणपुरा, माशती समूह गडरिया मोहल्ला पौरी, सिद्ध बाबा समूह अमरोदा, माँ शीतला समूह राजपुरा, गणपति समय भेसरावन, श्रीराम समूह बमरा, वनवासी समूह नोहे ठाकुर्द, जय हनुमान समूह पचीपुरा, जय भद्री विशाल समूह बैराड़, राम जानकी समूह ढोबा, जय बेर बाबा समूह आक्रुषी, हरिओम समूह जोराई, बालाजी समूह वगवासा खुद्र, अंजलि समूह कृष्णगंज, विनायक समूह कृष्णगंज, मशीतला समूह थोड़ा, जय गणेश समूह वसई, राधे कृष्ण समूह मरखेड़ा शामिल है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपने आज 2300 सहायता समूह मध्यान्ह भोजन पर कार्रवाई कर रहे थे, जो स्कूल में मध्यान्ह, क्या मामला पूरा मुझे बताएं सर। मीडिया में आया था, काफ़ी बड़ा मामला आया था, उसके अंदर ये था कि मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, पतली दाल दी जा रही है, यहाँ पे आदिवासी अंचल काफ़ी से अधिक आदिवासियों का, तो मीडिया ने कई गाँव में जाकर स्कूल में भ्रमण किया था, उनकी रिपोर्ट ऐसी आई थी। उस रिपोर्ट को कलेक्टर साहब द्वारा संज्ञान में लिया गया, आदेश किए गए इसकी जाँच कराई जाए, इसकी जांच कराएंगे बीआरसी के द्वारा, हम लोगों ने जांच कराई, जांच में ये आता है कि मीनू से खाना नहीं मिल रहा है और खाना सही गुणवत्ता का नहीं मिल रहा बच्चों को, कार्रवाई की जाना प्रस्तावित की गई थी। फिर अनुश्रवण समिति होती है शासन के आदेश अनुसार, जिसके अध्यक्षता एसडीएम होते हैं, और उसके अंदर मेंबर होते हैं जनपद के सीईओ होते हैं, सीडीपीओ होते हैं, बीआरसी होते हैं, और नगर पालिका ने मामला आया था नगर परिषद का, तो सीएमओ होते हैं। इन सबके समिति होती है, उस समिति के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया, समिति ने निर्णय लिया था कि इन समूह को फिर नोटिस जारी किए जाए, नोटिस जारी करने के बाद उनके जवाब आए, जवाब उनके सही नहीं पाएगा समाधान का था, और बीआरसी रिपोर्ट जो आई थी उसके ऊपर परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत पाया गया कि सब समूहों को अनुबंध समाप्त किया जाए, उसके तहत सब समूहों को जो 23 समूह हैं उनके अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की गई है।